सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ चुके हैं उसी स्कूल पे जहाँ पे हमने करीब एक महीने पहले जो गामा प्लस 3350 जो है इंस्टॉल किया था। सोलर पैनल्स वगैरह आप पीछे देख सकते हैं मेरे, वहाँ पीछे वहाँ पे लगे हुए हैं। और आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि कैसा क्या अपना चल रहा है। तो वही मैं यहाँ पे विजिट पे आया था कि क्या मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर कोई अपने स्कूल में इन्वर्टर लगवाना चाहे तो क्या वो 3350 चला सकता है यानी लगा सकता है या नहीं, कितना क्या लोड चलेगा और कैसा क्या काम चल रहा है। तो वही यहाँ पे हम आए थे पूरी टेस्टिंग के लिए कि कितना लोड और कितने समय तक चलता है, पूरा दिन जो स्कूल का लोड है वो चल पाता है नहीं चल पाता है। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्या लोड और कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है ओनर की तरफ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्कूल है फ्रेंड्स और लगभग जो है 24 फैंस जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, BLDC नॉन BLDC सारे मिला करके लगभग 6 फैन आई थिंक BLDC हैं, समरसेबल वगैरह भी है। लेकिन यहाँ पे केवल अगर फैंस ही चलाए जाएँ, क्योंकि ज़रूरत फ्रेंड्स जो होती है वो फैन की ज़्यादा होती है क्लासेस में, तो 24 फैन जो है फ्रेंड्स वो लगातार चलते हैं। तो देखते हैं कि कितना क्या बैकअप हमको मिलता है पूरे दिन में, क्या पूरे दिन जो है अपने जो फैन वगैरह हैं वो चल पाते हैं या नहीं। तो बात करेंगे सर से और देखेंगे कैसा क्या इनका रिस्पॉन्स रहता है। तो कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स अपना जो पूरा है स्कूल, और आप पूरा देख सकते हैं फुल बिल्डिंग। तो अब आ चुके हैं बाहर और आपको ले चलते हैं स्कूल के अंदर और दिखाते हैं कि कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पर हम लोग ने कर रखी है। सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इंस्टॉलेशन, अनबॉक्सिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको विद्यालय के अंदर। अगर आपको विद्यालय में लगवाना है गामा प्लस 3350 तो आप आराम से लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे चलता है। तो सबसे पहले तो हम आ चुके हैं विद्यालय, और जैसा कि इससे पहले आपने वीडियो कई सारी देखी होंगी, इंस्टॉलेशन है और पैनल्स वगैरह सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर एक स्कूल के लिए बात करेंगे कि क्या स्कूल में आप गामा प्लस 3350 लगवा सकते हैं या नहीं, कैसा क्या लोड चलता है। अगर आपको स्कूल का लोड चलाना है तो आप कौन सा पैनल और क्या गामा प्लस 3350 जो है वो वर्क करता है या नहीं, एक स्कूल के लिए क्या सफिशेंट रहता है या नहीं, इतना लोड चला पाएगा या नहीं। क्योंकि पहले मैं यहाँ पे 5 KVA का सोच रहा था लगाने के लिए, लेकिन फिर दिमाग में आया कि 3 KVA काफ़ी सस्ता एक हो सकता है। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं अपना सेटअप, फिर बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास में एक बाहर ऑफिस में रखा हुआ है अपना, और यहाँ पे वायर की बात की जाए तो 6 square mm DC वायर माइक्रोटेक का लगा रखा है, 2 UTL की बैटरी सीटन लगा रखी हैं और गामा प्लस 3350 है, MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में 3 KVA का ये इन्वर्टर फ्रेंड्स है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डुअल फैन और साइड वाइज लुक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। बेसिकली गामा प्लस का बड़ा भाई आप कह सकते हैं, 3 KVA में ये आपको देखने को मिल जाता है। बात की जाए पैनल्स की, तो इसमें हम लोग ने 2 KVA 2010 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं। 2160 वाट तक के सोलर पैनल्स आप इसमें लगा सकते हैं। टाटा के सोलर पैनल्स हैं फ्रेंड्स, और जितने भी पैनल्स हैं सबकी VOC जो है 45 VOC है, और अपना गामा प्लस जो है वो 106 जो VOC है वो सपोर्ट करता है। तो पैनल्स आसानी से, जितने भी पैनल्स हमने लगाए हैं आसानी से सपोर्ट कर गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने मिल रहा है। एंगल वगैरह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आज के दिन जिस दिन हम टेस्ट करने वाले हैं, इस टाइम जो है यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, और मैं सुबह ही आ गया था यहाँ पर क्योंकि थोड़ा और भी काम हम लोग करते हैं ID कार्ड वगैरह का, तो उस सिलसिले में मेरा आना हुआ था यहाँ पे। तो यहीं पर रुक करके हम ये भी पता कर लेंगे कि पूरा टाइम जो है अपना लोड चलता है या नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स बात की जाए लोड की, तो यहाँ पे एक समरसेबल लगा हुआ है और 24 जो हैं BLDC फैंस जो हैं वो BLDC प्लस जो हैं अपने इंडक्शन फ़ैन लगे हुए हैं। पैनल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन कैसे कर रखी है आप देख सकते हैं, जो वायर वगैरह हैं हमने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रखे हैं। सारी इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कोई भी AC का कनेक्शन नहीं है, केवल यहाँ पे हम लोग ने जो है केवल सोलर पे ही डिपेंड है पूरा स्कूल,
और सोलर से ही सारा सारा लोड चलने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखिए 8, 7 से 1 बजे तक ये स्कूल रहता है, और 1 बजे के बाद जो है वो लोड काफ़ी कम हो जाता है, तब अपनी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। फिर क्या होता है कि सुबह जब लोग आते हैं, स्कूल खुलता है, तो अपनी बैटरी जो है दोनों के दोनों फुल देखने को मिल जाती हैं, और फिर 7 से 9, 10 बजे तक जो है अपना आराम से बैटरी पे लोड चलता है, फिर जा कर के सोलर तब तक प्रॉपर तरीके से अपना काम करने लगता है। बात की जाए फैंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इंडक्शन फैंस यहाँ पे लगा रखे हैं, क्योंकि BLDC फैंस काफ़ी महंगे पड़ रहे थे, और पावर इफिशेंस की बात की जाए तो 50 वाट का ये भी फैन है, RR के ये फैंस हैं फ्रेंड्स, और ये भी काफ़ी अच्छी हवा वगैरह दे रहे हैं। तो बात की जाए आप परफॉर्मेंस की, कैसा क्या एम्पियर हमको देखने को मिलता है, तो आपको ले चलते हैं गामा प्लस की स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स अगर आपको बाहर, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसी क्या धूप है, और लगभग 2 बज रहा है फ्रेंड्स, ये घड़ी गलत है, और 2 बजे जो हम टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सारी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, मेन्स वगैरह। और जो जैसा कि आज टेस्टिंग का पूरा था, मैंने खुद जाके वहाँ पर रुक करके देखा, और आप KWH भी यहाँ पर देख सकते हैं 1 महीने में कितना हुआ है। ये एम्पियर अपना आ रहा है SPV से, और यहाँ पे जो है वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, और ये हो गया अपना हर्ट्ज, और उसके बाद में जो है जो बैटरी में एम्पियर जा रहा है वो काफ़ी अच्छा हमको देखने मिल रहा है, 18 एम्पियर जो बैटरी जो है अपनी चार्ज हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरा दिन रुका, और अपना जो 2 बजे तक पैन थे वो काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, और इस समय जो है लोड 0-0 है, जबकि 2 BLDC फैन फ्रेंड्स चल भी रहे हैं, तब भी इसमें लोड 0 ही दिखाता है। तो अपना जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है इस इन्वर्टर से, ओनर जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, आसानी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसानी से अपना समर भी चल जाता है, थोड़ी देर के लिए अगर समर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, और धूप देख सकते हैं बिल्कुल भी आज धूप नहीं थी, फिर भी जो है इनका जो है 7 से 2 अपना लोड पूरा चल जाता है, और उसके बाद जो है स्कूल बंद हो जाता है, अपना इन्वर्टर जो है वो चार्जिंग पर लग जाता है, और बैटरी जो है इनको सुबह पूरे फुल देखने को मिल जाती हैं। तो अगर किसी भी भाई को अगर स्कूल के लिए लगवाना हो, तो वो जा कर के अपना गामा प्लस 3350 लगवा सकता है, 24 से क्या 30 फैंस भी आप इसमें चला सकते हैं, आसानी से चल जाएंगे, और 30 फैंस का लोग लगभग वही 700 से 800 वाट तक का लोड फ्रेंड्स जो है वो अपना आ जाता है, जो 24 फैंस जो यहाँ पे लगे हैं वो अपना 700 से 800 वाट तक का लोड जो है वो चल जाता है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी अगर ज़्यादा पैनल सपोर्ट आपको लगाना है तो आप इप्रो का भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी अगर कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ भी सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।